चुनावी आहट के बीच झारखंड में केंद्रीय नेताओं की भी सक्रियता बढ़ गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच रहे हैं। पार्टी ने रांची में प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बैठक को शाह मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। इसी बैठक में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर की कार्य समिति और पार्टी के विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। दो सत्रों में होने वाली बैठक के पहले सत्र में शनिवार की सुबह 10:30 बजे से कार्य समिति के सदस्यों को प्रदेश के नेता संबोधित करेंगे। इसमें सांसदों और विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा। बैठक के दूसरे सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता संजय सिंह इस वक्त रांची से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक आज होने वाली है, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक होगी। क्या कुछ खास इस बैठक को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं? कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर चर्चा होगी? संजय, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी संजय, क्या कुछ खास आज की बैठक में होने वाला है? अंकिता, सबसे पहले मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10:30 बजे रांची पहुंचेंगे और वो भाजपा की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर धुरवा स्थित जगन्नाथ मैदान में जाएंगे। वहां लगभग 26,000 कार्यकर्ताओं को संवाद करेंगे। साथ ही जो लोकसभा में चुनाव जीत के आए हैं उनके साथ वो उनके सांसदों के साथ अभिनंदन भी करेंगे। आपको बता दें अंकिता कि इससे पहले वो विधानसभा प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प्रदेश अध्यक्ष बाबुल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस बैठक में शामिल हो रहा है। यानी कि संजय, आगामी चुनाव को लेकर अब बीजेपी यहां पर पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें तो आगामी चुनावों को लेकर वो ब्लूप्रिंट तैयार यहां पर कर चुके हैं। यानी कि अब झारखंड में जिस तरह से चुनाव को लेकर पूरा माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है, उस लिहाज से ये बैठक बेहद खास, बेहद अहम हो जाती है। जी अंकिता, ऐसे 4:30 बजे के आसपास में भाजपा कार्यालय में पूरे विधायक और सांसदों की बैठक भी रखी गई है अमित शाह द्वारा और वो पूरे चुनाव को लेकर ही विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए संजय, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।